फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार्स में से एक गिने जाते हैं एक्टर रवि किशन, जिन्होंने ना सिर्फ हिंदी सिनेमा जगत में अपनी खास पहचान बनाई है, बल्कि टीवी टाउन की दुनिया से लेकर बी टाउन की दुनिया में, वहीं भोजपुरी सिनेमा जगत में और साउथ इंडियन में भी अपनी खास पहचान बना रखी है। रवि किशन ने अब तक भोजपुरी फिल्में की हैं, तेलुगु फिल्में की हैं, तमिल फिल्में की हैं और साथ साथ में कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है। इसके अलावा रवि किशन ने टीवी की दुनिया में भी अपनी खास पहचान बना रखी है। ऐसे में आपको बता दें कि आज 17 जुलाई है और आज के दिन रवि किशन हो चुके हैं पूरे 51 साल के। आज उनके जन्मदिन के एक खास मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक दर्द भरा राज। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रवि किशन आज ना सिर्फ एक पॉपुलर स्टार के तौर पर जाने जाते हैं, बल्कि एक राजनेता के तौर पर भी जाने जाते हैं और वहीं उन्होंने राजनीति की दुनिया में भी खास पहचान बना रखी है। जानकारी के लिए आपको दोस्तों बता दें कि रवि किशन ने इस मुकाम को हासिल करने में काफी संघर्ष किया है और अपने इंटरव्यूज में कई बड़े खुलासे भी किए हैं। रवि किशन का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में। वहीं इनका असली नाम है रविंद्रनाथ शुक्ला। बचपन से ही रवि किशन को एक्टिंग का बेहद शौक रहा था और छोटी सी उम्र में ही रामलीला में सीता का किरदार निभाते हुए नजर आते थे। लेकिन रवि किशन के पिता को उनका अभिनय करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसकी वजह से अपने पिता के हाथों से पिटाई भी खाया करते थे। वहीं दूसरी ओर रवि किशन की माँ उनके अभिनय को काफी पसंद किया करती थी। रवि किशन की माँ ने उनको सपनों की दुनिया माया नगरी मुंबई में भेजने का फैसला कर लिया था और रवि किशन के करियर को बनाने के लिए उनके साथ में खड़ी होती हुई नजर आई। मुंबई में करियर बनाने के लिए उनकी माँ ने उन्हें रुपए तक दे दिए थे और अपनी माँ का आशीर्वाद पाने के बाद रवि किशन मुंबई की तरफ चल दिए और फिर क्या था, मुंबई में काम तलाशने में जुट गए। लेकिन मुंबई में काम इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला था। रवि किशन ने मुंबई में काम तलाशने के साथ साथ अपना खर्चा उठाने के लिए काफी मेहनत की। छोटी छोटी जगह पर रवि किशन काम किया करते थे और अपने पेट को पालते थे। इस बात का खुलासा खुद अपने इंटरव्यूज में रवि किशन ने किया है। जब वो अपने गांव को छोड़कर मुंबई गए थे तब उनके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे और ना ही रहने के लिए घर था और उस वक्त दो वक्त की रोटी कमाने के लिए रोज काम की तलाश में जुट जाया करते थे। ऐसे में कभी कभी रवि किशन को खाना भी नहीं मिलता था और भूखे पेट ही सो जाया करते थे और उस वक्त रवि किशन भूखे पेट ही रात गुजारा करते थे। लेकिन कुछ समय के बाद इतनी मेहनत करने के बाद रवि किशन को सिनेमा जगत में काम मिलना शुरू हो गया और आज रवि किशन हिंदी सिनेमा जगत के साथ साथ भोजपुरी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ सिनेमा के शानदार एक्टर्स में से एक गिने जाते हैं, जिन्होंने छोटे पर्दे पर अपनी खास पहचान बनाई तो वहीं बॉलीवुड में भी। और इस तरीके से रवि किशन आज बॉलीवुड में जाना माना नाम है। हमारी इस खास रिपोर्ट में दर्शकों इतना ही, लेकिन जाने से पहले हमारे तरफ से रवि किशन को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।